লাভলি মর্নিং উইস করার লগে লগে আপনার সকলকে নতুন ভিডিওলে আমন্ত্রণ জানাইছো। আশা করছো আপনার সকলো কুশলে আছে। মানে আজি আছো মহারাষ্ট্রের নাগপুর, যাক অরেঞ্জ সিটি হিসাবে জানা যায়। ইয়ারপর 60-65 কিলোমিটার অ্যাওয়ে এখন থ্রি টায়ার সিটি আছে, যাক ভান্ডারা বলে কোয়া হয়। তালেকে আপনার লই গই আছো। ভান্ডারা যখন জায়গা, যুক্ত এরিয়া কিহর কারণে বিখ্যাত, গোটেই ডিটেল আপনার ইলাবোরেট করিম ভিডিওটির জড়িয়ে। তো ভিডিওটির মূল জড়িত হয়ে থাকবে। চলিয়ে এক হি সাথ মে হম লোক আগে বাড়তে হ্যাঁ। ভান্ডারা আহি পাইছোহি, এই গলির মাঝে মাঝে মানে ঠাইটলে লই গই আছো। বিভিন্ন ধরনের দোকানবিল এনেকাকে রাস্তার মাঝে মাঝে ড্রাই ফ্রুটসর দোকান এখন ইয়ারে মানুষবিলাকে ট্রেফিক একদম ফলো নকরে। কিন্তু আহি পাইছোহি ইয়া মহাত্মা গান্ধী চক, মহামানব মহাত্মা গান্ধীর স্টেচু বলে অকমান আগলকে আপনার লই গই আছো। ট্রেফিক ফলো নকরার লগে লগে হেলমেটরও ব্যবহারে নকরে। এয়া চাও কোনোবার মাথাত হেলমেট আছে নে, কোনোবা এখন বাইকত হেলমেট আপনাদের দেখবলে পাইছে নে, আর রাইট লেফট একটু বুঝি না পায়। কিন্তু বড় ধুনিয়া মার্কেট, ডর মার্কেট গই আছো। মানে আপনার লই গই আছো এই ঠাইটলে। ই রিক্সা দেখবলে পোৱা নাই মই, কিন্তু এনেকুৱা পেডেল রিক্সা আছে, এতিয়াও চলি আছে। ভান্ডারা রাইস বোল অফ মহারাষ্ট্র বলে কোৱা হয়। একচুয়ালি ইয়াতে পানির কম নাই, তো ইয়াতে রাইসর খেতে বহুত হয়, মাছ হয়, ড্যাম আছে ইয়াতে। তো মই আজি আপনার গিয়ে আছো ইয়াতে। মানে বহু বছর আগতে ইয়াতে আসছিলাম। রামদাস সামনে রামদাস আছে। আচ্ছা আচ্ছা, তোমার বহু চালু থেকে পেলে আয়া থা ফাস্ট রুপে মে প্লেট প্লেট মতো কাগজ মেন হ্যাঁ কি প্লেট মে খানে সে আচ্ছা, কাগজ মে খানে মজা কুছ অলগ হি। কাকা সহি বাত না, সহি বাত। হ্যাঁ তো ইয়ে দেখিয়ে কাগজ মে এসে দেতে হ্যাঁ, কাগজ মে খানে কা মজা হি কুছ অলগ হ্যায়। লেকিন ইয়াহাঁ ও কাগজ বিনা হো জাতা হ্যায়, জবকি প্লাস পলিথিন ভি ডাল দেতে হ্যায়। আগর তো লোক বলতে হ্যায় তো, বাট পলিথিন ইজ নট অ্যালাউড না। তো ও লোক বলতে হ্যায় কি পলিথিন ডাল কে দো, কাগজ না গিলা হো জায়ে। তবে ও দেতে হ্যায়, বনাতে হ্যায় ইয়াহাঁ। প্লেট সে ভি খাতে, প্লেট মাংসা ও প্লেট মে মিলতা হ্যায়। तो ये आपका शुभ नाम क्या था? नशीने पोहे भैया के नाम से पहचाना। किसका? नशीने पोहा। नशीने पोहा चना पानी सर, नशीने पोहा। यहाँ का चना पानी बहुत अलग है। मैं बहुत साल पहले आया था यहाँ, ये पोहा खाया था जो ₹5 था। कितना हो गया भाई ने खाया है? 15 हो गया प्लेट। तो प्रफुल्ल भाई आए थे ना जी, प्रफुल्ल पटेल, वो गोंडिया वाले। गोंडिया वाले मैं जानता हूँ, उनके क्वार्टर में गया मैंने वहाँ हवेली में। अच्छा, कोई बात नहीं, ये बहुत बढ़िया से बनाते हैं इन लोग। कुछ तो डालते होंगे जो सीक्रेट है, हम लोगों को पता नहीं, लेकिन यहाँ सुबह लोग खीर जाते हैं। देखो थोड़ा सा मीठा रहता है। अच्छा, इनकी भी खासियत है। वो मीठा रहता है, वो मीठा रहता है। अच्छा अच्छा, और ये आलू चना पानी की जरूरत नहीं वहाँ पर नहीं यहाँ। और ये आलू पोहा बोलते हैं क्योंकि इसमें ये आलू आलू डालते हैं। जरूरी है, आलू बहुत जरूरी है। और पास में ये ऐसा गमला भर जाते हैं। और साथ ही साथ में ये देखिए, ये बना रहे हैं ये भैया बना रहे हैं। इसमें कितना सारा मसाला डाल दिए हैं, तेल आलू सब अंदाज से रहता है, प्याज। ये देखिए अभी ये पोहा, पोहा जाक सीरा बुली को है, ये सीरा तो इन्हें का पानी भिजाए तो दिए, उसके बाद इसको फ्राई करेगा जी। फ्राई करने के बाद ये पीला हो जाता है। हाँ, तो आप लोग कभी भी यहाँ आओ, भंडारा बस स्टैंड या भंडारा में कोई भी कोने में लोगों को पूछो कि रामदास पोहा या क्या निशान है, पसीने 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 पोहा बोलो, आप लोगों को बता देगा। हम भी अभी टेस्ट करेंगे, गरम गरम पोहा टेस्ट करेंगे। चलिए भैया हमको भी दे दीजिए। अरे वाह, इनका तो पैकिंग करने का देने का मतलब तरीका ही अलग है, तरीका ही जी। वो एक बार दिखा दीजिए, आलू कैसे डालता है देखिए, ऐसे उछाल के। हाँ, और पैकिंग पार्सल भी लेके जाते हैं लोग जी। ये देखिए, ये पार्सल लेके जा रहे हैं। खाने के लिए तो भैया खाने के लिए आप यहाँ खाएंगे ना?
चना डालते चना कहाँ रखते दिखाइए थोड़ा सा चना दिखा देते हैं चना के ये प्लेट में भी चलेगा कागज़ में भी चलेगा क्या है ये देखिए ऊपर किमान तेल आता है देखिए ना तल दे साना इन्हें के साना थके साना और यार मानु तेल खुआ तो तेल पसंद करे सेकने तेल दिया मुझे तेल मत दो हाँ सिर्फ उसमें चना दो हाँ एक बात ठीक है बोलिए ना जोत जागती रहती है हाँ। तो देखो क्या रहते ये शरीर में जो जोत जग रही है हाँ। आलू पोहे के कारण जग रही है अच्छा 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 जोश हाँ जोश अच्छा वेरी गुड और आप तो एकदम साईं बाबा के जैसा पूरा लगा लिया बाबा हो गया ना मैं तो ये हम खाएंगे अभी और देखो ऊपर से हाँ और एक बार और एक बार दिखा दो ये देखो आलू आलू अरे बाप रे वेरी गुड यहाँ लोग आके भर गए हैं ये देखिए हमने ले लिए हैं अभी हम भी खाएंगे वाह मजा है इतना टेस्टी है देखिए दूसरा भी तैयार हो गया है लोग आके यहाँ पूरा भर गए हैं ऐसे लोग फील करते हैं सुबह ब्रेकफास्ट में यही खा लेते हैं और पार्सल भी घर में लेके जाते हैं लोग ইয়াতে এতিয়া মানে বৰ ধুনীয়াকৈ বহাৰ ব্যৱস্থাও এওঁলোকে কৰি দিলে আগতে এইবিলাক নাছিলে বৰ সৰুকৈ আছিলে ये देखिए यहाँ बना रहे हैं ये हो गया हमारा मेन रामदास वाला जिसने यहाँ इंट्रोड्यूस किया है ना पोहा को रामदास कौन थे रामदास पिताजी थे ये देखिए पिताजी का नाम ये लोग अभी पिताजी है ना अभी भी वो आते हैं कभी कभी सुबह दोपहर में आएंगे कितने बजे तक चलता है दुकान बेसिकली महाराष्ट्र में जो है वो ब्रेकफास्ट में लोग इसको ही प्रिफर करते हैं पोहा जागसीरा भाजी बुली कहा है देखो रामदास पोहा बुली कहले भंडारा नो अभी नागपुर में भी आप किसी को पूछोगे रामदास पोहा कहाँ है वो डायरेक्ट बताएगा भंडारा है ना और लोग यहाँ भंडारा में कहीं भी आप पूछो रामदास पोहा को जाना है कहाँ जाना है किधर से जाना है आपको रास्ता बता देगा आलू डालते हैं बड़े बड़े इसीलिए उसको आलू पोहा बोलते हैं सबका दुकान तो यहाँ बहुत सारे है लेकिन हर एक का अलग अलग टेस्ट है रामदास का टेस्ट अलग है इनका भी थोड़ा सा टेस्ट ले लेते हैं हम भी ये नया नया पोहा बना रहे हैं गरम गरम आएंगे अभी दूसरा टेस्ट है इनका अलग अलग टेस्ट रहता है सबका किसी का नमकीन रहता है किसी का मीठा रहता है इनका मीठा रहता है ना मीठा रहता है कुछ तो ये लोग डालते हैं जिसके वजह से ये लोग फेमस है और लोग एडिक्टेड हो जाते हैं वहाँ का पोहा खाना ही सुबह होते ही यहाँ आना है और पोहा खाना है और काम है किया প্লেট কিতনে কি আছে মানে বাদ মে লেতা কিতনে কি 15 মই এইটো এটা আকৌ প্লেট লৈ ল'লোঁ এইটো খাওঁ এতিয়া মজা লওঁ মই ইয়াতে কাগজতে দিয়া কাগজত খোৱাৰ মজাই বেলেগ আপোনালোকে চব মানে দোকানবিলাকত দেখিব কাগজত এই অলপ মজা চলিয়ে ভাইয়ানে ফাইনেলি মুঝে चाय ऑफर किया चाय ले लिया है उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो देख के मज़ा आया होगा तो इसी के साथ ये वीडियो को आज समाप्त करते हैं मिलते हैं जल्दी ही दूसरा एक वीडियो में टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ स्टे सेफ स्टे कंफर्टेबल बाय बाय